अट्रैक्टिव बेस पर बने मोनोफोकल प्लस फोल्डेबल IOL यह नए प्रकार के लेंस हैं। इनमें दूर का एवं मध्यवर्ती दृष्टि का जितना भी काम होता है यह बिना चश्मे के हो जाता है, मगर नज़दीक के काम के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रात के समय में गाड़ी चलाने के वक्त सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट के चारों ओर हेलो ग्लेयर स्टारबस जैसा नहीं दिखता है। ऐसे लेंस जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे और सूटेबल होते हैं। लॉन्च किए गए नए VVT फोल्डेबल इंट्रा ऑक्युलर लेंस विश्व के पहले एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन इंट्रा ऑक्युलर लेंस हैं, जिनके द्वारा इंटरमीडिएट डिस्टेंस के सारे काम अच्छी तरह किए जा सकते हैं, जैसे किचन में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना। साथ में जो नाइट ड्राइवर्स हैं उनको भी रात के समय गाड़ी चलाते समय सामने से आती हुई कार की हेडलाइट के चारों ओर हेलो स्टारबर्स्ट ग्लेयर इत्यादि की समस्या नहीं होती है। इसके पहले जितने भी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन IOL थे वो सारे डिफ्रैक्टिव बेस पे बने थे। डिफ्रैक्टिव बेस होने की वजह से रात के समय में गाड़ी चलाने के वक्त सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट से आंखें चुदिया जाती थी और नाइट ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इंटरमीडिएट डिस्टेंस के सारे काम हो जाते थे। अभी जो रिफ्रैक्टिव बेस पर बने VVT इंट्राऑक्युलर लेंस आए हैं, ये पहले इडॉफ लेंस हैं जो इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव बेस पर बने हैं, जिसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस के काम यानी कि किचन में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना इत्यादि तो हो ही जाते हैं, साथ में नाइट ड्राइविंग में भी कोई आंखों में चकाचौंध सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट से नहीं होती है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के मोनोफोकल प्लस लेंस जो हैं वह भी रिफ्रैक्टिव बेस पर बने हैं, जिसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पर कंप्यूटर पर काम और जो किचन का काम है होता है, मगर इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम VVT इंट्राऑक्युलर लेंस से IHaaS इंट्राऑक्युलर लेंस के कंपैरिजन में बेहतर होता है और नज़दीक का भी IHaaS इंट्राऑक्युलर जो लेंस हैं मोनोफोकल प्लस लेंस जिसे कहते हैं उनकी तुलना में VVT इडॉफ लेंस से ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़दीक और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम होता है। मगर जो VVT इडॉफ लेंस हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और जॉनसन एंड जॉनसन के जो IHaaS ICB00IOL हैं वो अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इंटरमीडिएट डिस्टेंस की जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे कि कंप्यूटर पे काम करना, किचन में काम करना, नाइट ड्राइविंग वगैरह का लुत्फ उठा सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के अपेक्षाकृत सस्ते मोनोफोकल प्लस लेंस जिसे IHaaS कहते हैं। और अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप VVT इंट्राऑक्युलर लेंस लगाएं, क्योंकि VVT इंट्राऑक्युलर लेंस वर्ल्ड का पहला रिफ्रैक्टिव बेस पर आधारित इडॉफ लेंस है, जिसमें काफ़ी अच्छा इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम होता है और नज़दीक का भी काफ़ी अच्छा दिखता है, और जो ट्राईफोकल और मल्टीफोकल लेंस की जो नाइट ड्राइविंग की समस्या है वह भी नहीं होती है। तो कम बजट वाले लोग मोनोफोकल प्लस लेंस लगा सकते हैं और ज़्यादा बजट वाले जो लोग हैं वो VVT लेंस लगा करके इंटरमीडिएट डिस्टेंस का और नज़दीक का बिना चश्मे की दृष्टि का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, लेंस कितना भी महंगा और आधुनिक हो और तकनीक कितनी भी एडवांस्ड हो, मगर अगर आंखों के अंदर लगने वाले लेंस का नाप लेने में गलती हुई
या अगर वो सटीक तरीके से सही एक्सिस और सेंट्रेशन से आंखों के अंदर सेट नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है। तो दोस्तों, लेंस डालने की इस पूरी प्रक्रिया में आपके लेंस का सही चुनाव के लिए हमारे पास कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची में अत्याधुनिक मशीनें हैं, जिससे हम आपकी आंखों में प्रत्यारोपित होने वाले लेंस का सही नंबर निकालते हैं, साथ में वैरियन इमेज गाइडेड सिस्टम की सहायता से उस फोल्डेबल इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को आंखों के अंदर सही एक्सिस एवं सेंट्रेशन के साथ सेट भी करते हैं, जिसकी वजह से हम आपको एक बेहतरीन नज़र का तोहफा दे पाते हैं। जिस आशा से एक मरीज हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनकी आशा पर पूरे खरे उतर सकें और उनको दृष्टि का एक खूबसूरत तोहफा भी दे सकें।